Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 10, A Strange Dressing Bench. And this chapter is taken from your class 6 NCERT, A Pact with the Sun. So students, hurry up, open your books. Clear page number, it is 43. There was once a wrestler called Vijay Singh. अब यहाँ पर एक रेसलर था, ठीक है, एक बहुत बड़ा कुश्ती का पहलवान था जिसका नाम था विजय सिंह. अ टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स, एक बहुत बड़ा आदमी जिसके भारी भरकम कंधे थे, ठीक है, और मोटी मोटी भुजाएं थी. ही टावर्ड ओवर अदर लाइक अ जायंट, और वो जो है दूसरों के सामने क्या लगता था, जैसे एक बहुत बड़ा जायंट यानी कि भीम टाइप का आदमी लगता था. विजय सिंह पीपल सैड was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the world. विजय सिंह जो था उसे लोग बोलते थे कि ये तो पैदाइशी ही रेसलर है, ठीक है, और ये वर्ल्ड में किसी भी रेसलर को बीट कर सकता है, मीन्स हरा सकता है. दिस पहलवान had put one short coming which often landed him in awkward situation. अब इस पहलवान की एक ही प्रॉब्लम थी, क्या, कि वो जो है जिसकी वजह से वो ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाता था, मीन्स अजीबोगरीब सिचुएशन में पड़ जाता था. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, उसे अपनी बड़ाई करने की आदत थी. वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन, एक बार क्या हुआ, वो जो है मार्केट प्लेस में बैठा और उसके आसपास तो बैठे थे बहुत सारे यंग मैन बैठे थे. आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही सडनली प्रोक्लेम्ड, तो कई ग्लासेस दूध के पीने के बाद वो बोला, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ गोस्ट, कि लोग भूत से क्यों डरते हैं. आई एम नॉट, मैं तो नहीं डरता. आई विश आई मेट अ स्टाउट गोस्ट, मैं ऐसी विश करता हूँ कि मैं जो है एक छोटे से गोस्ट यानी कि भूत से मिलूं. आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा, एक लेसन सिखाऊंगा. देयर वर मर्मर्स ऑफ अप्लॉज एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन, तो अब हुआ क्या, अब उस यंग मैन, तो जितने भी यंग मैन बैठे थे सब जो है उसकी तारीफ करने लगे, अप्लॉज करने लगे उसे. इफ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सैड यू आर श्योर टू मीट गोस्ट, तो उनमें उन जितने यंग मैन बैठे थे उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला कि अगर तुम जो है रात में अकेले एक बहुत ही हॉन्टेड यानी इसकी भूतिया रेतीले वाले रास्ते से जाओगे तो तुम जो है जरूर एक घोस्ट से मिलोगे. दे रोम देयर फ्रीली, वो वहां पर ऐसे ही फ्रीली घूमते रहते हैं. स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन्स कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस, और तुम्हें अजीब अजीब से चिल्लाने की आवाजें वहां पर हर जगह सुनाई देती रहेंगी. ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, या तो जो ट्रैवलर्स आते हैं या तो उनको लूट लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है. वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम वहां जाना चाहोगे. विजय सिंह्स माइटी हर्ट मिस्ड अ बीट और टू, अब विजय सिंह जो था उसका दिल थोड़ा सा जो है फिर धक धक हुई उसके दिल में. व्हाई डिड ही हैव टू बोस्ट, क्यों, क्योंकि उसने तो अपनी बड़ाई करी थी. येस आई हैव हर्ड ऑफ हंगर डेजर्ट, ही सेड नॉन चैलेंजली, आई थिंक इट्स जस्ट अ फेरी टेल, तो उसने बोला हाँ मैंने ऐसे बहुत सारे कई सो डेजर्ट के बारे में सुना है, कई सारे ऐसे हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में सुना है, बट मेरे लिए वो सब एक फेरी परियों की कहानी की तरह है, एक फेरी टेल की तरह है. ओ नो सैड वन ऑफ हिज एडमायर्स, इट्स ट्रू, तो उनमें से जो है एक जो विजय सिंह के प्रेस करने वाला यंग मैन था वो बोला कि नहीं ये सच है. दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर, और ये जो प्लेस है वो जैसलमेर रोड पर 10 miles की दूरी पर है. द लैंडमार्क इज एन अगली ब्लैक रॉक एंड लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल, अगर तुम्हें जगह की पहचान करनी है तो वो लैंडमार्क क्या है कि वहां पे एक बहुत ही गंदा सा रॉक है और वो कैसा दिखता है, जैसे किसी कैमल का हेड हो. बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डनेस एंड ऑफ कोर्स कोस्ट, और इसके सिवाय वहां पर कुछ भी नहीं है, केवल सैंड है और अजीब अजीब सी क्या है जंगली सुनसानी इलाका है और क्या है केवल भूत है. ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह हु वाज रेडी टू सेट आउट वेस्ट, तो अब क्या हुआ, अब जो पूरा विलेज था वो तैयार हो गया विजय सिंह को विदा देने के लिए, फेयरवेल देने के लिए, जो कि रेडी हो गया था वेस्ट की तरफ जाने के लिए. जस्ट देन एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स,
एंड वी जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट. उसी समय क्या हुआ, एक बहुत ही बूढ़ी औरत आई और छोटा सा थैला लेकर के, और उसने वो थैला वो पोटली जो थी वो विजय सिंह के हाथों में पकड़ा दी. ठीक है, अब जैसे कहते हैं सूरज डूबने ही वाला था, वो लाल लाल सा सनसेट होने ही वाला था कि जो विजय सिंह था वो डेजर्ट में जाने के लिए निकल पड़ा. एज ही वॉक्ड द नाइट डीपेंड, अब जैसे ही वो चलता जा रहा था, जो रात थी वो बहुत ही अंधेरी काली रात होती जा रही थी. द मून वॉज, ठीक है, अंधेरी होती जा रही थी. द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई. जो मून था वो बिल्कुल ब्राइट था, ठीक है, और जो स्टार्स थे वो अच्छे से राजस्थान के जो स्काई था, आसमान था, उसमें दिखाई दे रहे थे. स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेम्बर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट. और कुछ माइल की दूरी पर चलने के बाद ही विजय सिंह को याद आया, वही जो बूढ़ी औरत ने उसको जो छोटा सा पैकेट दिया था. ही ओपन्ड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग. उसने उसको खोला बट उसे वहां कुछ भी नहीं मिला, केवल एक थोड़ा सा नमक और एग यानी कि अंडा मिला. द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर असेंट्रिसिटीज. जो ओल्ड वुमेन थी वो इन्हीं तरह की अपनी इन पैकेट्स की वजह से जानी जाती थी. एज विजय सिंह स्टेप इनटू द हॉन्टेड गैजेट ही हर्ड अ वॉइस. जैसे ही विजय सिंह ने हॉन्टेड गैजेट में पैर रखा, उसके एक आवाज सुनाई थी, विजय सिंह यू विल गेट क्लोज इन द गैजेट. विजय सिंह तुम इस गैजेट में गुम हो जाओगे. कम दिस वे, चलो इस रास्ते आओ. आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा फ्रेंड नटवर हूँ. एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट. तो एक बार तो विजय सिंह को रियलाइज हुआ कि ये कोई भी उसका दोस्त नहीं है बल्कि भूत है, घोस्ट है. ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर फ्रेंड नेटवर. तो उसने जो है ब्रेव साउंड करा, ठीक है, जैसे उसमें बहुत ज्यादा करेज है, साहस है, तो वो बोला कि मेरे फ्रेंड नेटवर कहाँ हो तुम. इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू. बहुत रात होती जा रही है और मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ. कम हियर एंड शो मी द वे, तुम आओ और मुझे जो है रास्ता दिखाओ. लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी. और बाकी सारे रेसलर्स की तरह ही विजय, लाइक ऑल गुड रेसलर्स, जैसे और रेसलर्स होते हैं, विजय सिंह भी ये देखना चाहता था कि उसका जो एनिमी है वो साइज में कितना बड़ा है, मीन्स कितना पावरफुल है, ताकतवर है. सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड. तो अचानक जो है घोस्ट भूत उसके साइड पे आ गया. विजय सिंह पीयर्ड इन टू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड यू आर जस्ट अ प्लेन लाइन घोस्ट. तो विजय सिंह ने जो ऐसे उसका चेहरा देखा और बोला कि तुम जैसे सादे से घोस्ट हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कोई घोस्ट नहीं हो. एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, आई वॉज लॉन्जिंग टू मीट यू. चलो अच्छा हुआ, मुझे अब और पूरी रात जो चलना नहीं पड़ेगा, मैं तो तुमसे ही मिलने आ रहा था. नॉट यूज टू इंसल्ट द घोस्ट वॉज टेकन अबैक. अब क्या हुआ, अब इस तरीके की घोस्ट की इंसल्ट कभी किसी ने नहीं करी थी. पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मेट हिम. और लोग जो है वो बिल्कुल डर के मारे जो है बैक हो जाते हैं जब वो उस घोस्ट से मिलते हैं. दे ऑफन फेंटेड, और अक्सर लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं. बट हियर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट. बट यहाँ पर जो था वो क्या था, वो एक बहुत ही अनफीलिंग सा क्रिएचर था. किसके लिए, उसके घोस्ट के लिए, कि जो कह रहा है कि मैं घोस्ट से भूत से मिलने आया हूँ. इट डिडंट मेक सेंस. अब ये तो कोई बात नहीं हुई. रियली आई डोंट नो व्हाई यू लॉन्च टू मेक मी. सच में मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो. द घोस्ट सैड, घोस्ट ने बोला. तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. रिमेनिंग चैप्टर वी विल सेगी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आई होप आप सबको हमारा जो इतना चैप्टर है अ स्टेज रेसलिंग मैच की स्टोरी अच्छी क्लियर हुई होगी. रिमेनिंग चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.